हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरवी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? मस्त ही होंगे, पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज मैं पढ़ना है हम लोग को लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का मतलब क्या होता है, तो एक कहानी की हेल्प से समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए आप एक कंपनी के मालिक हैं और आपकी कंपनी बनाती है फैन, मतलब पंखा बनाती है। क्या बनाती है? पंखा बनाती है। और आपको 100 फैन का ऑर्डर मिला है। कितने फैन का ऑर्डर मिला है? 100 फैन का आपको ऑर्डर मिल गया। अच्छा, 100 फैन का ऑर्डर मिला है तो इस फैन में मेनली दो चीज यूज होती है। एक ये होता है गोल वाला जो बीच में होता है, उसका नाम हमको नहीं पता, और एक होता है ब्लेड। ठीक है, एक होता है ब्लेड, यहां पे लिख दे रहे हैं, एक होता है ब्लेड्स और एक होता है गोल वाला। अच्छा, कितना पंखा बनाना है आपको? मिली है कंपनी में ऑर्डर, कितना पंखा मिला है? 100 पंखे का मिला है। अच्छा, तो 100 पंखा बनाना है तो वो गोल वाला कितना लगेगा? 100। ठीक है, गोल वाला हमको चाहिए 100। और मान लेते हैं कि एक पंखे पे तीन साइड से ब्लेड लग रहा है, मतलब एक पंखा जो यूज हो रहा है उसमें तीन ब्लेड लग रहे हैं, तो 100 पंखे के लिए कितने ब्लेड लगेंगे? 300 ब्लेड लगेंगे। चलिए, क्लियर है। 100 पंखे का ऑर्डर मिला था, आपने 100 वो गोल वाला लिया और 300 ब्लेड आपको चाहिए। लेकिन आप गए कहीं पे ब्लेड लेने, तो ब्लेड आपको बस और बस मिला कितना? 150। आपके पास ब्लेड कितना है? 150। लेकिन वो जो गोल वाला है वो आपके पास पूरा है, 100 का 100 है। अब आपके आप गए अपने मजदूरों को दे दिए, लो भाई पंखा बनाना स्टार्ट करो, बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है 100 पंखे का। धड़ाधड़ 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 मजदूर क्या कर रहे हैं? पंखे को बना रहे हैं। अच्छा, कुछ देर बाद वो पंखा बनाना मजदूरों का रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि हमको बनाना था 100 पंखा। ये 100 तो मेरे पास गोल वाला है, लेकिन ब्लेड कितना है? ब्लेड मेरे पास सिर्फ 150 है। मतलब अगर इसको एक पंखे में तीन ब्लेड लग रहा है, तो 150 ब्लेड को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो टोटल कितना यूज हुआ? 50 पंखे में ही सारा ब्लेड क्या हो गया? खत्म हो गया। मतलब अभी भी मेरे पास यहां से 50 ये गोल वाला क्या है? बाकी है। और 50 पंखे बनाने में ही वो ब्लेड क्या हो गए? सारे खत्म हो गए। वहीं पे पूरे आपके कंपनी का काम क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। उसके बाद क्या, अपना पैर हाथ लगा के पंखा पैर हाथ काट के नहीं लगा देंगे गोल वाले में, कितना चाहेंगे कंपनी को बेच देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो जब ब्लेड खत्म हो गया तो वहीं पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग या वहीं पे उनका रिएक्शन क्या हो गया? स्टॉप हो गया। वहीं पे पंखा बनाने की जो स्पीड थी मजदूरों की वो रुक गई, क्योंकि ब्लेड क्या हो गया? खत्म हो गया। अब किसी भी रिएक्शन में जो चीज खत्म हो जाती है, क्या होती है? जो चीज खत्म हो जाती है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, जो चीज खत्म हो जाती है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। और जो चीज बच जाती है किसी भी रिएक्शन में, जो चीज बच जाती है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, जो चीज बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएजेंट। जो खत्म हो जाता है उसको बनाते बनाते में, उसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। पंखा बनाने का ऑर्डर मिला था 100, लेकिन 50 पंखा भी रिएक्शन चल ही रहा था, लेकिन बीच में 50 पंखा बनते ही मेरे पास ब्लेड क्या हो गए? खत्म। तुरंत रिएक्शन वहीं पे क्या हो गई? स्टॉप हो गई। मतलब जिस रिएक्शन को करते करते जो सामान पूरे तरीके से कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और जो बच जाए, जैसे ये गोल वाला मेरे पास 50 बच गया क्योंकि ब्लेड क्या हो गया? खत्म। अब ये जो 50 बच गया किसी रिएक्शन में, जो सामान बनाते बनाते जो सामान कुछ बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएजेंट। तो समझ में आया? जैसे रोटी बनाना है आपको, 100 रोटी बनाना है, 100 रोटी धड़ाधड़ 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 बना रहे बना रहे बना रहे बना रहे, लेकिन 98 या 98 रोटी बनाते बनाते आपका गैस क्या हो गया? खत्म हो गया। तो जो रिएक्शन करते टाइम जो सामान आपका कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो गया, खत्म हो गया पूरे तरीके से, इसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। वो गैस क्या हो गया? आपका लिमिटिंग रिएजेंट। और जो रोटी, वो जो आटा 2 रोटी का बच गया, वो क्या हो गया? एक्सेस रिएजेंट। अब इतनी बात कहानी इतनी क्लियर हो गई। जो भी प्रोडक्शन होगा, मतलब जो भी प्रोडक्ट बनता है, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट पे कि कितना प्रोडक्शन हुआ होगा। अच्छा, ये बताइए, ये जो 50 गोल वाला बचा है या जो 100 गोल वाला था
क्या उस पे डिपेंड कर रहा है कि कितने पंखे बनेंगे? नहीं, किस पे डिपेंड किया है कि आप ब्लेड कितना लाए थे। आप अगर यहाँ पे 150 ब्लेड लाए हैं तो वो 50 पंखा ही बनेगा, लेकिन अगर आप 300 ब्लेड ला दिए होते तो सारा पंखा क्या हो जाता, बच जाता। मतलब जो रिएक्शन में पूरे तरीके से खत्म हो जाता है वही बताता है कि कितना प्रोडक्शन हुआ होगा। जैसे यहाँ पे ये ब्लेड जो है वो पूरे तरीके से खत्म हो गया। अच्छा, 150 ब्लेड खत्म हुआ है तो आप अंदाजा लगा देंगे, अच्छा 50 ही पंखा बना होगा। लेकिन क्या इस गोल वाले से अंदाजा लगा पाएंगे कितना पंखा बचा होगा, कितना पंखा बना होगा? नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही 50 बच गया है, अब मेरे पास वो ब्लेड ही नहीं है बनाने के लिए। तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। जो भी LR मतलब लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही बताएगा कि प्रोडक्शन कितना हुआ है, ठीक है। अब जो आटा का लोई बच गया है वो नहीं बता पाएगा कितना रोटी बचा था। वो गैस, क्योंकि गैस 98वें रोटी पे खत्म हो गया तो गैस हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, और वही बताएगा कि कितना रोटी बना है, कितना बना था उस टाइम तक, तो 98 रोटी ही बना था, लेकिन दो रोटी जो बच गई वो हो जाता है एक्सेस रिएजेंट। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का जो डेफिनेशन है वो है द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड व्हेन रिएक्शन, यहाँ पे होगा व्हेन रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब कोई रिएक्शन चल रही है अपने समापन की ओर चल रही, खत्म होने की ओर चल रही है, तब तक जो चीज उसमें खत्म हो गई, जो आप रिएक्टेंट मिलाए थे उसमें से एक दो सामान जो खत्म हो गया, पूरे तरीके से खत्म हो गया, उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। जो पूरी तरह से खत्म हो गया, पूरी तरीके से खत्म हो गया, उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस दैट इज विच इज लेफ्ट इन द रिएक्शन। अब जो रिएक्शन करते करते जो खत्म हो गया वो तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, बट जो बच गया उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट। मतलब कुछ बच जाएगा, कुछ क्या होगा, बच जाएगा, एक्सेस में कुछ बच जाएगा, और लिमिटिंग रिएजेंट में पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ना क्लियर है? प्रोडक्शन कितना हुआ होगा किस पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट में। कितना गैस था, वो गैस कितने रोटी बनाने के लिए था, 98 रोटी बनाने पे गैस खत्म, तो प्रोडक्शन में कितना हुआ होगा, 98 रोटी का हुआ होगा, ठीक है। पंखा बनाना था 100, लेकिन ब्लेड कितने थे, 150, तो 50 पंखे पे क्या हो गया, हमारा रिएक्शन वहीं रुक गया। कौन पूरे तरीके से खत्म हो गया, ब्लेड, तो ब्लेड क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा, कौन बच गया, वही गोल वाला, वो क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट। इतना क्लियर है? अब एक दो क्वेश्चन होगा और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे क्वेश्चन कराते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट पे। देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसका केमिकल रिएक्शन लिखिए और उसको बैलेंस करना आपको आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि 50 kg ऑफ N2 मतलब नाइट्रोजन एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स टू प्रोड्यूस NH3। N2 प्लस H2 को मिला के NH3 बना। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 प्रोड्यूस, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट को बोला जाता है LR और एक्सेस रिएजेंट को बोला जाता है ER। कह रहा है कि 50 kg N2 और 10 kg H2 को मिलाकर अमोनिया का प्रोडक्शन किया गया। तो कह रहा है कि अमोनिया कितना बना होगा और उसमें LR कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब पहले कौन खत्म हो गया होगा। तो क्वेश्चन बुक में बहुत ही लंबा चौड़ा सॉल्व करता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। सिंपल मेथड अभी बताऊंगा और तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आपको ये वाला आना चाहिए कि 5 रुपए का दाम 10 रुपया है तो 1 का कितना होगा, तो 100 का कितना होगा। जैसे दिया है कि 10 अमरूद का दाम 100 रुपया है, तो सबसे पहले निकालेंगे 1 अमरूद का दाम, तो कितना आ जाएगा, 10 रुपया। जितने का पूछ रहा है कि 50 अमरूद का कितना होगा, उतना मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 का निकालने के बाद जितने का पूछो उतने का मल्टीप्लाई। कॉन्सेप्ट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे रिएक्शन, N2 plus H2 gives that NH3, तो N2 plus H2 gives that NH3। इसको बैलेंस कर लेंगे तो 2 यहाँ है तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, 2 plus 6 तो ये हो गया 3, क्लियर। इतना करने के बाद अगर क्वेश्चन में ग्राम या केजी में दिया हुआ है
तो इसके नीचे इसका कितना वेट है आपको स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट से पता चल जाएगा, आप पढ़े होंगे प्रीवियस लेक्चर तो जान लेंगे इसका कितना वेट है। एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो दो का कितना हो गया यहाँ पे, हो गया 28 ग्राम। एक हाइड्रोजन का होता है एक, तो 6 का हो गया 6, और एक NH3 का होता है 17, तो दो का हो गया 34। सबसे पहले लिखेंगे केमिकल रिएक्शन, उसको बैलेंस किए और उसका कितना कितना वेट है नीचे लिख दिए। अब यहां से आपको लगाना है स्टोइकोमेट्री, या बोला जाता है स्टोइकोमेट्री, दोनों बोल सकते हैं स्टोइकोमेट्री या स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट से आपको लगाना है कि एक के लिए इसका कितना है, चाहे एक के लिए इसका कितना है, ऐसे करके चलना है। तो आइए देखते हैं, यहां से हमको पता चल रहा है कि अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन को 6 ग्राम हाइड्रोजन से मिलाएंगे तो 34 ग्राम ऑफ अमोनिया बनता है, क्लियर है। या मोल के टर्म्स में पढ़ें तो 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ H2 टू गिव दैट 2 मोल ऑफ NH3। यहां पे ग्राम या केजी में क्वेश्चन है तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिए हैं, मोल में नहीं चल रहे, ठीक है। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए इसका 6 लगता है तो बनता है 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो इसके 1 ग्राम के लिए इसका कितना लगेगा, तो हो जाएगा 6/28, ठीक है। इसके 28 ग्राम के लिए इसका 6 ग्राम लगता है तो इसके 1 ग्राम के लिए इसका कितना लगेगा, 6/28। आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं, इसको भी ग्राम में कर सकते हैं और इसको भी ग्राम में कर सकते हैं। तो इसके 1 ग्राम के लिए इसका कितना लगेगा, 6/28। तो इसके 1 ग्राम के लिए इसका इतना लगेगा, तो इसका दिया कितना है 50 kg, मतलब 50,000 ग्राम के लिए हाइड्रोजन कितना लगेगा, 1 ग्राम के लिए इतना लग रहा है तो 50,000 ग्राम, हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिए तो 50,000 ग्राम के लिए ये कितना लगेगा, 6/28। जब भी एक के लिए निकाल लेंगे, जितने का पूछे उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया, ठीक है। तो इसके 50,000 ग्राम के लिए इसका जो लगेगा वो होता है 10714 ग्राम, मतलब 10,714 ग्राम लगेगा इसके 50,000 ग्राम को खत्म करने के लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, इसके 28 ग्राम के लिए इसका 6 ग्राम लगता है, इसके 1 ग्राम के लिए इसका 6/28 लगा, तो क्वेश्चन में दिया कितना है नाइट्रोजन, कितना है मेरे पास 50 kg, मतलब 50,000 ग्राम है। तो 50,000 ग्राम के लिए हाइड्रोजन की कितनी कितनी जरूरत पड़ेगी, हाइड्रोजन लगेगा हमारे पास 10714 ग्राम, मतलब हमको चाहिए 10,014 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए इसके 50,000 ग्राम को खत्म करने के लिए। बट क्वेश्चन में हाइड्रोजन दिया कितना है, 10 kg, 10 kg का मतलब 10,000 ग्राम दिया है हमको, 10,000 ग्राम ही गिवन है, और इसके 50,000 ग्राम को खत्म करने के लिए चाहिए कितना, 10,714, और दिया है सिर्फ 10,000, मतलब इसके 50,000 ग्राम को खत्म करने से पहले ही हमारे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जो पहले खत्म हो गया वही क्या हो गया हमारे लिए, हाइड्रोजन क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। एक बार और क्लियर करते हैं, सिंपल रिएक्शन लिखे, उसको बैलेंस किए, इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे इसका वेट लिख दिए, वेट गिवन वाला नहीं, यहां पे N2 का कितना वेट होगा, तो 1 का 14 तो 2 का 28, उस तरीके से लिख दिए। इसके 28 ग्राम के लिए हाइड्रोजन की कितनी जरूरत पड़ती है, 6 ग्राम की, तो इसके अगर हम 1 ग्राम लें तो इसका कितना पड़ेगा, 6/28 ग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन में दिया है कि इसका जब 50,000 ग्राम हो तब हाइड्रोजन कितना लगेगा, तो 50,000 ग्राम के लिए हाइड्रोजन लगेगा 10,714 ग्राम, लेकिन क्वेश्चन में हमको सिर्फ हाइड्रोजन 10,000 दिया है, मतलब 714 ग्राम कम पड़ रहा है। तो इसके 50,000 ग्राम को खत्म करने से पहले ही हमारा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, खत्म, और जो पहले ही क्वेश्चन में खत्म हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, ER वैसे पूछा नहीं है, तो ये LR हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ER हो गया, क्लियर है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 प्रोड्यूस एंड आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट तो निकल गया, कितना अमोनिया बनेगा, मतलब इसके 50,000 और इसके 10,000 ग्राम से कितना अमोनिया बनेगा वो देखो। तो जब भी प्रोडक्शन होगा, कितना प्रोडक्शन हुआ है,
वो हमेशा डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट पे। किस पे डिपेंड करता है? लिमिटिंग रिएजेंट पे। एक्सेस वाले को गोली मारी हमको कोई मतलब नहीं है, अब हमको सिर्फ मतलब है लिमिटिंग रिएजेंट और अमोनिया कितना बन रहा है। तो बस अब आपको बस काम करना है इन दोनों को उठा लीजिए, मतलब इन दोनों को 3H2 से गिव दैट 2NH3। अब इसका नहीं काम है, बस इन दोनों को हमको लेके चलना है। तो इसके 6 ग्राम, जब ये 6 ग्राम था तो अमोनिया कितना बन रहा था? 34 ग्राम बन रहा था। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से कर सकते थे। इसके 6 ग्राम के लिए अमोनिया कितना बन रहा था? 34 ग्राम। तो इसके 1 ग्राम के लिए अमोनिया कितना बनेगा? जब 1 ग्राम लेंगे तो ये हो जाएगा 34/6। यहां तक क्लियर है? अब मेरे पास हाइड्रोजन है कितना? क्वेश्चन में दिया कितना है? सिर्फ और सिर्फ 10,000 ग्राम दिया है। तो इसके 10,000 ग्राम के लिए हमारा अमोनिया कितना बनेगा? तो 34/6 × 10,000 ग्राम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 56,666 ग्राम, मतलब 56,666 ग्राम, या इसको लिख सकते हैं 56 kg। क्लियर है? तो ये था एक्सेस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन, दोनों मेरे तरफ दोनों सॉल्व हो गया। जब लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाएगा कि कौन LR है, तो एक्सेस वाले से कोई मतलब नहीं है, आप LR को लीजिए और कितना अमोनिया प्रोड्यूस हुआ, मतलब जो प्रोडक्शन उसको लीजिए। फिर उसके ग्राम से रिलेशन बनाइए कि इसके 6 के लिए इसका 34 लग रहा था, तो इसके 1 के लिए इसका इतना लगेगा। तो क्वेश्चन मेरे पास कितना दिया है? 10,000 ग्राम। तो 10,000 ग्राम के लिए इसका कितना बना होगा? 56। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों ER को लेकर नहीं बनाए, क्योंकि ER तो खुद ही बच जा रहा है, वो तो बच जाएगा, वो तो रिएक्शन में पूरा पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है। पार्टिसिपेट ER तब तक कर रहा है जब तक हाइड्रोजन खत्म नहीं हो रहा है, मतलब 10,000 ग्राम तक हाइड्रोजन के साथ साथ ये वाला N2 काम करेगा, उसके बाद काम नहीं करेगा। तो जो भी प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है LR पे। तो LR से उसका रिलेशन बनाइए और क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है कि इफ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज ट्रीटेड विद 20 ग्राम ऑफ HCl, हाउ मेनी ग्राम ऑफ CO2 कैन बी प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर इसका हम 20 ग्राम लें और इसका भी 20 ग्राम लें तो CO2 कितना प्रोड्यूस होगा हमको ये बताना है। कोई भी चीज़ कितना प्रोड्यूस होगा, इसका प्रोडक्शन कितना होगा, सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा LR कौन है। LR अगर पता चल जाएगा तो उसी के रिलेशनशिप से हम बता पाएंगे कि कौन चीज़ कितना प्रोड्यूस हुआ है। अच्छी बात यह है कि इसमें पहले से बैलेंस केमिकल रिएक्शन दिया है, आपको करने की जरूरत नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन सब का लिख देंगे हम वेट, कितना कितना वेट अभी इसका है इस मॉलिक्यूल का। तो इस मॉलिक्यूल का 100 है, 2HCl का हो जाएगा 73 ग्राम। ये आपको निकालने आता होगा, हमको CaCl2 और H2 से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है CO2 कितना बन रहा है हमको उससे मतलब है। तो हम इसका फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। काम वही करना है कि पहले इसके एक के लिए इसका कितना लग रहा है या इसके एक के लिए इसका कितना लग रहा है आप निकाल लीजिए। तो यहाँ से निकालते हैं, इसके 100 ग्राम के लिए इसका 73 ग्राम लग रहा है, तो इसके 1 ग्राम के लिए इसका कितना लगेगा? 73 ग्राम/100। तो इसके क्वेश्चन में दिया कितना है? 20 ग्राम। तो इसके 20 ग्राम के लिए इसका कितना लगेगा? 73/100 × 20। तो ये लगभग आता है 14.6 ग्राम, ठीक है। इसके 100 के लिए इसका 73 लग रहा था, इसके 1 ग्राम के लिए इसका 73/100 हो गया, तो इसके 20 ग्राम के लिए 73/100 × 20, तो 14.6 ग्राम। अब यहाँ से एक बात समझ में आती है कि इसके 20 ग्राम को, मतलब CaCl3 के 20 ग्राम को ख़त्म करने के लिए हाइड्रोजन का कितना लग रहा है? सिर्फ और सिर्फ 14.6 ग्राम ही लग रहा है, इतना ही कंज्यूम हो रहा है। बट हाइड्रोजन दिया कितना है, सॉरी HCl का कितना लग रहा है? 14.6 ही लग रहा है, बट कितना दिया है? 20 ग्राम दिया हुआ है। मतलब इसके 20 ग्राम को ख़त्म करते करते इसका सिर्फ 14.6 ही लगा, मतलब ये तो 20 ग्राम पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, बट HCl कितना ख़त्म हुआ? वो ख़त्म हुआ 14.6, और दिया कितना था? 20 ग्राम, मतलब कुछ ना कुछ HCl क्या हो गया, बच गया। तो जो बच जाता है उसको क्या मान लेते हैं हम लोग? ER।
और जो पूरे तरीके से खत्म हो गया उसको क्या मान लिए, एल आर। ठीक है, इसके 20 ग्राम को खत्म करने के लिए इसका सिर्फ 14.6 ही ग्राम लगा, और क्वेश्चन में दिया था कि उसके पास हमारे पास एस सी एल 20 ग्राम है, कुछ ना कुछ बच गया, तो ये यार हो गया, ये पूरे तरीके से खत्म हो गया, तो कितना हो गया, ये एल आर हो गया। जो एल आर है वही बताएगा सी ओ टू कितना प्रोड्यूस हुआ था, तो इसका ले लीजिए फिर वही टी सी ए सी ओ थ्री यहाँ पे हो गया सी ओ टू, ये आया था 14.6। तो इसके 100 ग्राम के लिए इसका कितना लग रहा है स्टार्टिंग में 44, तो इसके 1 ग्राम के लिए इसका कितना लगेगा 44 डिवाइडेड बाई 100 ग्राम, तो इसके 20 ग्राम के लिए इसका कितना लगेगा 44 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20, ये कटआउट क्या आएगा आपका 8.8 ग्राम। ठीक है, जो लिमिटिंग रिएजेंट था वही बताएगा प्रोडक्शन कितना हुआ, तो हम सी ए सी ओ थ्री और सी ओ टू को ले लिए, फिर स्टार्टिंग से वही करना है कि इसके 100 के लिए इसका 44 लग रहा है, ये जो 100 और 44 है ये मॉलिकुलर वेट है, सी ए सी ओ थ्री का मॉलिकुलर वेट 100 होता है, सी ओ टू का होता है 44, तो इसके 100 ग्राम के लिए इसका 44 लग रहा है, तो इसके 1 के लिए कितना लगेगा 44 बाई 100 लगेगा, क्वेश्चन में है कितना सी ओ सी ओ थ्री 20 है, तो 20 ग्राम के लिए कितना लगेगा 20 का मल्टीप्लाई कर दिए इसमें, तो आ गया 8.8 ग्राम। तो यहाँ से आपका पूरा डाउट आपको लगता है क्लियर हो गया होगा, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट करने का क्वेश्चन आप कर ले रहे होंगे, कैसे करना है वो सब चीज़ें क्लियर हो गई, पूरा डाउट आपका क्लियर हो गया। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और कमेंट करिए, और तब फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय।